तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक सैमसंग की ऐप की अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में गेम खेलते हैं तो ये वाली ऐप बहुत ही शानदार है और आपके मोबाइल में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, इस ऐप का नाम है गेमिंग हब। इसके अंदर एक नया अपडेट आया है। अपडेट के साथ साथ बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस ऐप को पूरी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों, जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के गेमिंग हब के ऐप के अपडेट के बारे में। उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट वाले सेक्शन में कि आपको एक नया ऐप का अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है। नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया है 30 सितंबर को, जिसका वर्जन नंबर है 7.1.01.7, जिसका साइज है 17.74 MB का। अब पहले तो मैं अपडेट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस अपडेट पर उन्होंने मेजरली तो कुछ लिखा नहीं क्या नया चेंजेस किया गया, पर जब भी कुछ अपडेट आता है तो कुछ सिक्योरिटी इनहांस करी जाती है, कुछ परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है और कुछ डिवाइस की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज किया जाता है। तो ये काम क्या करता है, नाउ के अंदर आप गेम को एक रूम बना लेते हैं जिसके अंदर आप गेम को स्टोर का भी यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसके अंदर आपको गेम्स मिल जाएंगे जिसको विदाउट इंस्टॉल करके भी आप यहाँ पर आप खेल पाएंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना, तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो एग्री वैग्री बोलेगा, मैं भी फर्स्ट टाइम ही खोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टार्ट स्ट्रीमिंग नाउ के जो भी गेम्स मिल रहे होंगे अभी आप डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हैं विदाउट डाउनलोड करें यहाँ पर मिल जाएगा। रिकमेंडेड वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, रिकमेंडेड देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद ट्रेंडिंग गेम्स मिल जाएंगे, न्यू इंस्टेंट प्ले मिल जाएंगे, इंस्टेंट प्ले विद योर फेवरेट, रेसिंग, मतलब ये आपको अलग अलग कैटेगराइज पूरे यहाँ पर गेमिंग के पूरा हब मिल जाएगा और सारे गेम को आप डायरेक्टली क्लिक करके खेल सकते हैं। प्ले और इंस्टॉल सम गेम टू सी देम हेयर, और भी आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आप खेल के देख सकते हैं और पूरा उसको रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गेम प्रोफाइल, आपकी जो भी प्रोफाइल होगी प्रोड्यूसिंग लाइन जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगी, आपने कितने कितने गेम खेले, क्या क्या गेम जीते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ जाएंगे तो इवेंट जो भी होंगे गेम्स रिलेटेड वो आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ जाएंगे थ्री डॉट्स पे, यहाँ पर जो सबसे मेन जो फीचर है ना वो है इसके अंदर गेम बूस्टर। भाई गेम बूस्टर क्या काम करता है, मान लो अपने मोबाइल में आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं ना, तो गेम बूस्टर क्या करता है, आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए काम करता है, ताकि आपको कोई डिस्क्रेट ना कर सके जब भी आप गेम खेल रहे हैं तो आपका फोकस उसी में रहे। तो यहाँ पर ब्लॉकिंग ड्यूरिंग गेम, कि जब भी आप गेम खेलें तो उसकी नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दो, नेविगेशन गैजेट ब्लॉक कर दो, ऑटो ब्राइटनेस ब्लॉक कर दो, बिक्सबी ब्लॉक कर दो, एच पैनल ब्लॉक कर दो। तो सबको, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी गेम खेलते हैं सबको बंद कर दो, जिससे आप गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ले सकते हैं। उसके बाद ऑटो टच प्रोटेक्शन, कि जब भी ऑटोमेटिक टच ना हो तो 3 मिनट तक टच लॉक हो जाए, वो आपको वहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। सेविंग पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर पावर को सेव करता है, टच प्रोटेक्शन को सेव करके ये आपको मिल जाता है। शॉर्टकट बार का ऑप्शन मिल जाता है कि वहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप कोई पबजी खेल रहा है या फिर कोई ऐसे हैवी गेम खेलते हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप इसमें से कुछ भी एक ऑप्शन को चूज कर लो। जैसे मैंने रिकॉर्ड चूज कर लिया, जब भी आप गेम खोलोगे तो आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा, डायरेक्टली अपनी गेम की वीडियो या फिर जो भी आपको रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड करके उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी आप सेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा परसेंट पे आप स्क्रीनशॉट रेजोल्यूशन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट फॉर्मेट सेट आउट कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अभी बाय डिफॉल्ट ये परफॉर्मेंस में सेट है, तो इसमें क्या होगा, हैवी यूजेस होंगे, गेम जो आपका मोबाइल है पूरा ध्यान उसका मेन फोकस रहेगा गेम को रन करने को, तो वो बैटरी भी खाएगा और दूसरी प्रोसेस को स्टॉप करके इसी को चलाएगा, तो बैटरी खाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस पे स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो नॉर्मल यूज रहेगा, और बैटरी सेवर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी लोड नहीं लेगा, नॉर्मल यूज़ होगा और बैटरी सेव भी आपकी होती रहेगी, तो प्रोसेसर का कम यूज करेगा इसमें। तो 3 मोड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लो रिफ्रेश रेट करेंगे तो इससे भी बैटरी सेव होगी पर व्यूज थोड़े कम हो सकते हैं आपके गेमिंग एक्सपीरियंस के, और ये यहाँ पर आप देख पाएंगे। लैब में जाएंगे, अल्टरनेट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का यूज मिलता है। इसमें क्या होता है, वो सिर्फ उसका मेन फोकस रहता है कि आपके गेम को चलाता रहे, तो हैवी यूजेस होता है, प्रोसेसर पर लोड पड़ता है और बैटरी स्लो होती है, बैटरी कम चलती है, ये यहाँ पर आपको मिलता है। तो भैया गेमिंग बूस्टर वाला बहुत ही शानदार फीचर है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के इसका लिंक भी दे दूंगा, बट बहुत यूजेज है। मैं गेमिंग अपने मोबाइल में ज़्यादा नहीं करता, तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ एक्चुअल में कैसे यूज़ होता है। फिलहाल तरीके से आप इसमें यूज़ कर पाएंगे, मेन यूज़ है अगर आप हैवी गेम खेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने, और नॉर्मल गेमिंग करते होंगे तो आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगेगा, नॉर्मल में आपको नॉर्मल चलते ही रहेगा,
आप यहाँ पर चला भी लेंगे, जैसे इंस्टेंट मैंने चलाया है विदाउट डाउनलोडिंग करके, इस ऐप को खोल लिया और ये चलता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इंस्टेंट प्ले कर सकते हैं, अगर नॉर्मल आप गेमिंग करना चाहें तो विदाउट डाउनलोड करे आप यहाँ पर उसका गेम का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है कि गेम बूस्टर या फिर न्यूज ये है, गेमिंग हब आपको एक सपोर्ट देता है जिससे आप इंस्टेंटली वहां पर अपने मोबाइल में गेमिंग कर सकते हैं, और गेम बूस्टर का सपोर्ट करके आप हैवी गेमिंग भी अच्छे से यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो इसमें एक नया अपडेट था, उसमें कुछ सिक्योरिटी और कुछ एनहांस अपडेट किए गए होंगे, परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन में लाइक दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।